हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले सर कॉस्टिंग के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, कॉस्टिंग के बारे में। कॉस्टिंग की सर मैं आपको कुछ क्लासेस जो है यहाँ पे अवेलेबल करवा रहा हूँ। मिस्टर भव्य भाटिया, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उनका इंट्रोडक्शन भी आप थोड़ी देर में देख लेंगे। वो हैं सर जो हमारे साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो हमने बोला था कि हमें कॉस्टिंग की कुछ फैकल्टीज चाहिए, एंड भव्या ने उसके लिए अप्लाई किया। तो हमें लगा कि चलिए आगे चलते, देखते हैं क्या होता है। अब सर अल्टीमेटली जो है बॉल आपके कोर्ट में है। ये वीडियोस देखिए आप लोग, और प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा कैसा है फीडबैक। और हम लोग कोशिश करेंगे सर कॉस्टिंग की क्लासेस को बहुत मिनिमम अमाउंट पे या ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास पहुँचाने के, राइट। एंड उम्मीद करता हूँ कि सर आप लोग अपना फीडबैक देंगे, ताकि जिससे सर हमारे जो आगे के डिसीजंस हैं वो अच्छे बन पाएँ, और हम लोग सर आगे चीज़ों को बढ़िया से कंटिन्यू कर पाएँ। सो वॉच द वीडियो, गिव द फीडबैक, एंड लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर भव्य भाटिया। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए भव्य भाटिया। आई क्वालिफाइड इन नवंबर 2016। करेंटली आई एम वर्किंग इन DBMCI एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एंड आई एम एक्स ड्यूराइटियन एज वेल। आई क्लियर माई आर्टिकलशिप, आई क्वालिफाइड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम देयर, एंड ऑल्सो परस्यूड माई करियर फॉर मोर देन 8 months। आई एम द फैकल्टी ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दिस इज टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम फ्रॉम द अकाउंटेंसी विच यू हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 2.5 years। दिस डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, Schedule 3, Schedule 2 टू बी फॉलोड, नथिंग। इट इन्वॉल्व जस्ट वन बेसिक थिंग, कॉस्टिंग। विदाउट कॉस्टिंग नो वन हैज एवर अचीव्ड एनीथिंग। सो इन दिस वर्ल्ड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, वील हेल्प यू क्लैरिफाई मोर ऑफ योर डाउट्स एंड मेक श्योर दैट यू गाइज बिकम अ चैम्पियन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू द वर्ल्ड ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आपके इंटरमीडिएट कोर्स का paper number 3 है। ये itself में खुद 100 marks का होगा, और ये बहुत ही प्यारा और बेहतरीन चैप्टर है। बिफोर आई कंटिन्यू, लेट मी क्लियर यू सम डाउट्स। आपके माइंड में अक्सर आता होगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या ये अकाउंट्स की तरह ही हैं? क्या हम इस पर वही ट्रायल बैलेंस, लेजर, बैलेंस शीट्स, Schedule 3 की अकाउंटिंग वही सब करना पड़ेगा? क्या इसमें भी वही स्केल, पेपर, पेन के ऊपर खेलना पड़ेगा? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अपने में बहुत ही डिफरेंट चैप्टर है, और इसको करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात, जब भी आप कुछ सोचेंगे आपको एक कॉस्ट अकाउंटेंट की तरह सोचना होगा, एक नॉर्मल अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह भी नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग की बात होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आखिर है क्या। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टोटल 15 चैप्टर्स हैं। और हर चैप्टर में अपनी बेसिक कॉस्टिंग, जिसमें मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड, ऐसे कई चैप्टर आएंगे जो हम आगे जाके आपको पता चलेगा कि इनमें क्या क्या होता है और अल्टीमेटली कॉस्टिंग बनती कैसे है। सो We start with first chapter, chapter number 1, Introduction to Cost and Management Accounting. Friends, एक चीज़ याद रखना, इसमें अकाउंट जैसा कोई काम नहीं है। आई एम रिपीटिंग इट बिकॉज अक्सर बच्चे इसको अकाउंट से ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। इसमें बिल्कुल हमें अकाउंटेंट की तरह नहीं सोचना, और सिर्फ उस चीज़ में सोचना कि जहाँ कॉस्ट लग सकती है, या कॉस्ट कैसे बनती है, या कॉस्ट में क्या क्या होता है, हमें सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देना है। स्टार्टिंग विद फर्स्ट थिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो ऑब्वियसली कॉस्ट क्या होती है। Cost is an expenditure, whether actual or notional, incurred or attributable to a specified article, product or an activity. वो expenditure whether actual or notional,
incurred on or attributable to a specified activity product thing services etc. दोस्तों इसमें दो वर्ड्स आए हैं एक्चुअल और नोशनल. एक्चुअल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो एक्चुअली में इनकर हुआ है और जिसमें कैश का आउटफ्लो है, यानी कि कैश लगेगा ही लगेगा. कैश इंक्लूड्स इवन द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस. बट नोशनल, नोशनल क्या होता है? इन अकाउंट्स यू हैव स्टडीड कि वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी टर्म्स. बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग दिस इज़ नॉट ट्रू. कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो टेक्स इन टू अकाउंट दोज थिंग्स विच आर नोशनल इन नेचर. नोशनल मीन्स that cost which is actually not incurred but could have been if the same was not used for the purpose is being used. Example, हमने business studies में पढ़ा था कि business और उसके owner are two different as a person. Both are considered differently. अगर एक person अपना खुद का business start करता है और वो अपनी जगह business में use करता है तो actually में he will not be receiving any rent. So in accounts we will not record that transaction बिकॉज उसमें फाइनेंशियल या मॉनिटरी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई. बट इन कॉस्ट वी विल यूज दैट ट्रांजेक्शन बिकॉज कॉस्ट में वो रेंट जो नोशनल रेंट है वो अगर हम बिजनेस में ना लगा के कहीं बाहर देते तो हमें रेंट मिलता. वेन बिजनेस एंड इट्स ओनर आर कंसिडर डिफरेंटली, वेन बिजनेस एंड इट्स ओनर आर कंसिडर डिफरेंटली देन द कॉस्ट विच कुड हैव बीन इनकर्ड. I am repeating, the cost which could have been incurred if the same was not used for the purpose it is being used. Again I am repeating, वो rent जो owner को बाहर मिल सकता था अगर वो अपने business में ना लगाता, वो rent is a rent used in cost accounting. That means rent of the property which, or I'll say, which could have been an income if used outside. Wo rent. Since there is no cash outflow it is notional in nature. Clear hai friends? Kisi ko koi doubt? I hope not. Next we go on to costing. Costing is the technique and the process of ascertaining cost. Wo techniques ya processes which help in ascertaining the cost. I think ye aap logo ko clear ho jayega ki wo process jo hume cost nikalne mein help karti hai उसे हम कॉस्टिंग कहते हैं. देन वी कम ऑन टू कॉस्ट अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटिंग. फर्स्ट
सी फ्रेंड, आई नो आप लोग को लग रहा होगा कि ये थ्योरी की क्या ज़रूरत है। अक्सर स्टूडेंट्स थ्योरी को भूल जाते हैं और वो इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में खो जाते हैं कि वो जो थ्योरी के 16 मार्क्स होते हैं वो अक्सर छोड़ देते हैं। बट उस 16 मार्क्स को गैदर करने में ये थ्योरी ही बहुत हेल्प करती है। कभी कभार ICI इतना ज़्यादा लंबा एग्ज़ाम बनाता है कि वो ख़त्म नहीं हो पाता। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मार्क्स लाने के लिए हमें पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, पर थ्योरी में ऐसा नहीं है। थ्योरी में हम उतना ही लिखेंगे जितनी थ्योरी है, ना कम ना ज़्यादा। तो एंड में क्वेश्चन करते हुए वो स्पीड बनाने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए इस थ्योरी की इम्पोर्टेंस आपको शायद अभी ना लग रही हो, लेकिन ये आगे जाकर आपको तभी आप आगे जाके तभी कॉस्टिंग कर पाओगे जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको लग रहा होगा कि हाँ, इनकी ज़रूरत आज हमें महसूस हो रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सी सिंस वी आर डूइंग द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ऑब्वियसली इसमें अकाउंटिंग तो आएगी ही आएगी। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग विच बिगिंस विद रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और द बेसिस ऑन विच दे आर कैलकुलेटेड एंड एंड्स विद प्रिपरेशन and ends with preparation of periodical statements and reports for ascertaining cost. Process of accounting which begins with recording of income and expenditure or the basis on which they are calculated and ends with preparation of periodical statement and reports for ascertaining cost. Cost accounting वो प्रोसेस जो एक्चुअल हमें हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमें अकाउंट्स में जैसे लेजर, ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट्स बनानी पड़ती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सब नहीं है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में खुद अपनी एक रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं जिनका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, बट फिर भी हमें मैनेजमेंट जो कि बिजनेस के ओनर्स होते हैं, हमें उन्हें तो एक रिपोर्ट देनी होती है। ये उस रिपोर्ट्स की बात कर रहा है कि उन रिपोर्ट्स के अंदर उन कॉस्ट की अकाउंटिंग को लगाना, जिससे हमें कॉस्ट डिराइव हो सके और हमें उनके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने पड़े। नेक्स्ट मूव ऑन टू कॉस्ट अकाउंटेंसी। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेथड्स टेक्निक्स टू द साइंस आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। एंड असर्टमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेथड्स टेक्निक्स टू द साइंस आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड असर्टमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे अकाउंटेंसी हमने पढ़ते थे कि इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स।
Similarly, cost accounting is also an art, science, and is also principles, techniques to the science, art, and practice of cost control and assessment of profitability. यानी कि cost accountancy उस art की तरह है जो हमें help करती है profitability ascertain करने के लिए. Next is management accounting. But friends, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा ये आपको. ये मैं आपको आगे चल के ही बताऊंगा कि एग्जैक्टली होती क्या है. नेक्स्ट, कॉस्ट हमने पढ़ लिया सर. कॉस्टिंग ये होती है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, पर हम ये करते क्यों हैं, हमें एक्चुअली में कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है. दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव क्या है उस कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए. पहला ऑब्जेक्टिव, ये तो हमें पता ही है फ्रेंड्स. अभी तक हम कॉस्ट अकाउंटिंग में एक ही शब्द यूज करते आ रहे हैं, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट. तो ऑब्वियसली पहला ऑब्जेक्टिव ही होगा टू असर्टमेंट ऑफ कॉस्टिंग. उस कॉस्टिंग को असर्टन करने के लिए जो हमें हेल्प करती है कॉस्ट रिपोर्ट्स या पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए. नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. फ्रेंड्स, हमें पता है कि सेलिंग प्राइस तभी हो पाता है जब हमें पता हो कि हमें कितना प्रॉफिट चाहिए है. लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उस प्रॉफिट में आने से पहले उस कॉस्ट को जानना ज़रूरी होता है कि उस प्रोडक्ट या उस एक्टिविटी या उस सर्विस में कितनी कॉस्ट लगी है हमारी अभी तक. नहीं, हम वो कभी सोच ही नहीं पाते. कॉस्ट अकाउंटिंग हमें ये बताता है कि हमें अगर कॉस्ट सेलिंग प्राइस मेंटेन रखना है तो उसकी कितनी कॉस्टिंग होनी चाहिए सो दैट हम वो प्रॉफिट असर्टन कर पाएँ जो एक्चुअली मैनेजमेंट चाहती है. कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स अस इन डिटर्मिनिंग द सेलिंग प्राइस एंड दस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट. ऑल दो हमें पता है इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में हम जितनी मर्जी कॉस्ट लगा लें अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस जो है मार्केट फैक्टर्स या मार्केट इन्फ्लुएंस से होता है. बट फ्रेंड्स, हम मार्केट फैक्टर्स को भी तभी देख पाते हैं जब हमें पता हो कि हाँ इस प्रोडक्ट में इतने रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, ना कम ना ज़्यादा. थर्ड, कॉस्ट कंट्रोल. कॉस्ट कंट्रोल इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी टू असर्टेन द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच वी आर एबल टू कंपेयर आर थिंग्स और मे बी द प्रॉफिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सिमिलरली कॉस्ट कंट्रोल हेल्प्स अस इन इंश्योरिंग दैट वेदर एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन इज मोर और लेस देन द स्टैंडर्ड्स सेट फॉर द पैरामीटर्स अगेंस्ट देम. कॉस्ट कंट्रोल हेल्प्स अस इन इंश्योरिंग दैट देर इज नो वेरिएशन इन दीज थिंग्स एंड इफ इट इज़ रिपोर्टेड ऑन अ कॉन्टीन्यूस बेसिस. यानी कि कॉस्ट कंट्रोल हमें उन स्टैंडर्ड से डेविएट होने में बताती है कि वेदर आर एक्चुअल कॉस्ट इज मोर और लेस देन द स्टैंडर्ड सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन. इसके लिए हमें कॉस्ट कंट्रोल को करने के लिए हमें सबसे पहले प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स करने चाहिए. सेटिंग ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स. देन नेक्स्ट, वी शुड कंपेयर आर एक्चुअल परफॉर्मेंस with the standards set third once we compare the actual performance third we should analyze of actual variance and reporting to the management.
जब तक हमें स्टैंडर्ड्स नहीं पता होंगे, कॉस्ट कंट्रोल का कोई यूज़ नहीं आएगा इस चीज़ में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल इज ऑफन सीन एज कॉस्ट रिडक्शन, कि दोनों सेम होते हैं, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि ये दोनों को सेम माना जाता है। कॉस्ट रिडक्शन इज द एक्चुअल एक्चुअल रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्टिविटी थिंग और सर्विसेज। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा, विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिविटी थिंग और सर्विसेस। एक्चुअल रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्टिविटी थिंग और सर्विसेस विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिविटी थिंग और सर्विस। बिना क्वालिटी को हिलाए हम अगर एक्चुअल रिडक्शन इन कॉस्ट को कर पाए तो उसको कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। फ्रेंड्स अगर आप देख सकते हैं तो कॉस्ट कंट्रोल मेक श्योर कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट इज इन अकॉर्डेंस विद द पैरामीटर्स और आई शुड से द स्टैंडर्ड्स सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। बट इन कॉस्ट रिडक्शन देयर आर नो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट रिडक्शन सेज दैट एवरी कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड ओनली इफ वी डू नॉट रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। Aims at maintaining cost with standards. It aims at actual reduction in cost. It ends when the actual performance, or I should say actual targets, are met with the standards. It is a never-ending process. कॉस्ट रिडक्शन कैन नेवर बी एंडिंग प्रोसेस, बिकॉज कॉस्ट हम तब तक रिड्यूस कर सकते हैं जब तक एक्चुअली कंपनी उस चीज़ में इंश्योर करती है क्वालिटी ना गिरे। इट इज़ मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव इन नेचर It is more of a corrective function. So, आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगी, बट कॉस्ट रिडक्शन कभी एंड नहीं होगी। इफ द कंपनी इज एबल टू अचीव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देन दे माइट यू नो एंड व्हेन द कॉस्ट कंट्रोल आर मेट, बट
when they can see that we can reduce the price on that basis of economies of scale, then definitely they will go for new cost reduction, new reduction in prices of the commodity or the object, and again they will set the standards, and again we'll start the process of cost control. That means cost reduction starts when, sorry, I beg your pardon, cost control starts when cost reduction actually ends. जैसे आप फ्रेंड्स देख रहे थे कि हम ऑब्जेक्टिव पे थे, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था असर्टमेंट ऑफ कॉस्ट, सेकंड प्राइस डिटरमिनेशन सो दैट वी कैन नो व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड कॉस्ट कंट्रोल, फोर्थ कॉस्ट रिडक्शन विच हेल्प्स अस इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिविटी और द सर्विसेज, एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट assertment helping in decision making. helping in decision making हम कोई भी चीज़ तो इसीलिए करते हैं ताकि उस चीज़ का मैनेजमेंट को फ़ायदा हो. दैट मीन्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग helps us in providing those informations on the basis of which a company can plan, evaluate, control and make decisions. So far I think friends aapko koi problem nahi aa rahi hogi. Main ek baar fir se sare notes dikha deta hu ki abhi tak humne kya kya padha hai. We started with cost, ki actually mein cost hoti kya hai, कॉस्ट में एक्चुअल और नोशनल कॉस्ट क्या होती है, देन वी मूव ऑन टू कि हमने कॉस्टिंग क्या होती है, व्हाट इज द कॉस्टिंग, द प्रोसेस विच हेल्प्स हेल्प्स अस इन असर्टेनिंग कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग कि हम उस प्रोसेस को यूज़ करते हैं कॉस्ट असर्टेन करने के लिए, एंड द बेसिस ऑन विच द इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड, and preparation of periodical statements and reports for ascertaining cost, cost accountancy kya hoti hai, and then the objectives ki hum cost accounting karte kyun hain. Objectives to humne kar liye, ab cost accounting ka use yani ki स्कोप कहाँ कहाँ पर है, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. स्कोप में फ्रेंड्स सबसे पहले इट हेल्प्स इन असर्टेनिंग द कॉस्टिंग, जो कॉस्टिंग अभी आपने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, ये उसी कॉस्टिंग की बात करता है कि वो स्कोप क्या है उस कॉस्ट अकाउंटिंग का. नेक्स्ट इटसेल्फ में कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रिंसिपल्स को यूज़ करने में, थर्ड कॉस्ट की एनालिसिस करने के लिए. कॉस्ट एनालिसिस का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिविएशन फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड सेट, फैक्टर्स responsible for deviation of actual cost with the standards set. Next, cost comparisons. Cost accounting also helps us in comparing cost of an object in one period with the same cost used in some another period, or maybe through different technology, different processes, different techniques. Cost accounting हमेशा cost comparison के लिए बहुत helpful होती है, क्योंकि कोई भी company बिना comparable करे कहीं नहीं चल सकती.
नेक्स्ट कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के लिए, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस सर ये क्या होता है? स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस फ्रेंड्स हमारा इन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर सेक्शन 148, सेक्शन 148 अंडर कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट दैट फ्यू कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्ट ऑडिट टू मेंटेन कॉस्ट ऑडिट एंड गिव रिपोर्ट्स टू दिस कॉस्ट अकाउंट एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स फ्रॉम अ कॉस्ट अकाउंटेंट। इनसे फ्रेंड्स ये होता है कि पता चलता है कि क्या कंपनियां कोई ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को अनफॉलो तो नहीं कर रहे जो मैंडेटरी हैं इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसलिए अंडर सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट करवाना बहुत ज़रूरी होता है वरना कंपनीज के ऊपर हैवी पेनल्टीज लगती हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फ्रेंड्स हमने कहा था मैंने ऊपर आपकी एक डेफिनेशन छोड़ी थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। अब वो टाइम है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स ये तीनों में डिफरेंशिएशंस आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे कि जो जो अकाउंटिंग कंपनियां यूज़ करती हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिफोर आई टेल यू द डिफरेंसेस यू शुड नो व्हाट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ लग रहा है तो सही। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। वो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू क्रिएट प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स। यानी कि इट इज द एप्लीकेशन accounting and financial management principles to create protect preserve and increase the value of stakeholders। Management accounting takes into the use both accounting and financial management principles। Friends ये concept mainly help करता है companies को एक decision लेने के लिए कि क्या उनके accounting और financial management things वैल्यू स्टेक होल्डर्स के लिए इंक्रीज कर भी रही है या नहीं कर रही, या क्या उनके फंड्स जो उन्होंने इस बिजनेस में लगाए हुए हैं क्या वो प्रोटेक्टेड हैं या नहीं। इट इज़ मोर ऑफ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रादर देन एनी अकाउंटिंग प्रोसेस। कमिंग बैक कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंसेस क्या हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले नेचर। It records only the quantitative transactions. Cost accounting भी quantitative transactions निकालता है, but both actual or notional,
यानी कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग उन आउटफ्लोज की भी बात करता है जो एक्चुअली में नहीं हुए पर हो सकते थे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस दैट हैव इनकर्ड ऑन मॉनिटरी बेसिस। फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शंस एक्चुअल या नोशनल दोनों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शंस, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन ओनली इनकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉनिटरी टर्म्स, यानी कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इंक्लूड करी ही नहीं जाती। ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट सर्विस एटसेट्रा, वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इनफो टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग and whereas financial accounting provides information about financial transactions of an entity. Recording cost of object product, service, etc. provides info to the management for decision making and information about financial transactions of entity. ये तीनों हमारे काम करते हैं। Next difference. Third difference जो हमारा आता है recording of data. It uses both present and past data. Management accounting uses more of present data to make decisions for futures. And financial accounting uses only the historical data. Fourth, time period. When doing cost accounting, there is no actual fixed time period. हम cost accounting को कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। We can prepare report for one day, one week, one year, 10 weeks, millennium, कभी भी। Similarly, management accounting भी decision making है। That means there is no fixed time for making decisions. But usually financial accounting, it is usually done for 1 year.
जो हम एक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उस टाइम पीरियड की बात करता है। इट यूजुअली इज प्रिपेयर्ड फॉर वन ईयर। फिफ्थ, यूजर्स। द यूजर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर मेनली इंटरनल यूजर्स। ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं, ये आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ रखा है और हम आगे भी पढ़ेंगे कि कौन से इंटरनल यूजर होते हैं और कौन से एक्सटर्नल यूजर होते हैं। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरनल यूजर्स के साथ साथ स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस के लिए हमें एक्सटर्नल यूजर्स की भी हेल्प चाहिए होती है, या रादर आई शुड से कॉस्ट रिपोर्ट्स एक्सटर्नल यूजर्स की हेल्प में आते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल यूजर्स का रोल है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ यूजर्स को हेल्प करती है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्लियर है कि कॉस्ट में अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, और उनका लिंक फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये दोनों कंसेप्ट हमारे अलग हैं, पर इनके अंदर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इन तीनों के अंडर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक अलग कंसेप्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन दोनों के मिक्सचर से हमारा बना मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इन तीनों को, आई रिपीट, इन तीनों को हम मिलजुल के कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, आपको लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम है कि कॉस्ट अकाउंटिंग बड़ा है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग बड़ा है या मैनेजमेंट, तो ये डायग्राम आपको हमेशा हेल्प करेगा। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। आई थिंक आप सबने अब तक नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स चाहिए होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ इंटरनल यूजर्स का रोल है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स का यूज। पर होते कौन हैं ये यूजर्स, हु ऑल आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल यूजर्स।